स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो आज है 21 मई 2023 संडे का दिन। वैसे तो बस 8 बजे की है पर एक्साइटमेंट के मारे मेरी आंख सुबह 4:45 बजे ही खुल गई थी। रास्ते के लिए नमकीन बिस्किट आदि रख लिया है पर फिर भी मैंने थोड़ी पूरी बच्चों के लिए सेक ली थी। डिस्पोजल प्लेट, थोड़ा सा अचार, चम्मच, टिश्यू पेपर, पानी की बोतल सब कुछ रख लिया था। पूरी तैयारी हो गई थी। हम लोग समय से काफ़ी पहले ही तैयार हो गए थे। 7:20 पर हम घर से निकल गए। वैसे तो बस 8 बजे की थी। सुबह ट्रैफिक काफ़ी कम था तो जल्द ही हम ISBT पहुंच गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे कुछ छूटने वाला हो। चाहे मुझे जाना हो या ना जाना हो पर यहाँ का माहौल अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। खैर, हमारी बस खड़ी थी और हमें सीट भी मिल गई। दोनों बच्चे मैंने एक तरफ बैठा दिए और मैं उनके बराबर से उधर वाली सीट पर बैठ गई। मेरे बगल में एक आदमी था। बस के स्टार्ट होने से पहले पंडित जी ने सभी यात्रियों को टीका लगाया। ऐसा मैंने पहली बार देखा था और बच्चों ने भी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस मेरठ नहीं वैष्णो देवी जा रही हो। भानु बच्चों के लिए चिप्स आदि ले आए। मैं मन में सोच रही थी कि काश ये भी हमारे साथ चलते और शायद ये भी ऐसा सोच रहे थे, पर क्या कर सकते हैं, परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें उनके साथ समझौता करना ही पड़ता है। बस की सीट फुल होते ही बस 8 बजे से 5 मिनट पहले ही चल दी। वैसे मैं अपनी पहली एकल टोंक यात्रा में ज़्यादा नर्वस थी पर इस बार थोड़ा मुझ में आत्मविश्वास आ गया था। इस सफ़र में बहुत सी महिलाएं एकल यात्रा कर रही थीं, जैसे पीछे सीट पर बैठी ये दोनों लड़कियां। बच्चों की सीट से पहले एक औरत अपने एक लड़के के साथ बैठी थी, उसके हस्बैंड भी उसे छोड़ने आए थे और ऐसे ही आगे की तरफ भी काफ़ी महिलाएं अपने बच्चों के साथ थीं। आगरा में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं तो सभी को अपने मायके जाने की लगती ही है। मुझे जीजी के घर गए काफ़ी साल हो गए थे तो मैं और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे मेरठ जाने के लिए। थोड़ी ही देर में ही दोनों बच्चे सो गए और मैं भी थोड़ा सोती जागती रही, देखती रही, सतर्क रही लेकिन। और फिर ये अलीगढ़ आ गया है और अलीगढ़ में बस 1 घंटा खड़ी रही। पता नहीं क्यों इतना उसने यहाँ पर इतना टाइम लगाया लेकिन बस में बोर होने जैसा कुछ भी नहीं था। आपके सहयात्री जो आपके आगे पीछे बैठे होते हैं, जो उनकी धीरे धीरे जो आवाज़ें आ रही होती हैं या वो फ़ोन पे जो बात कर रहे होते हैं, भाई उससे तो बड़ा ही इंटरटेनमेंट होता है। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या जानकारियाँ मिली, कौन किससे क्या बात कर रहा है या बॉयफ्रेंड है या वो अपनी मम्मी से बात कर रही है, मेरे को सब पता चल रहा था। खैर, ये हैं हमारे सफ़र के साथी मिस्टर दर्शित, जो कि क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं। इस बच्चे ने मेरा बस में इतना मन लगाया कि क्या ही बताऊं। ये सफ़र कैसे कट गया पता नहीं चला। इस उम्र के सवाल जवाब देते करते बहुत ही मज़ा आया। वो बच्चा भी मेरे ही बच्चों की तरह अपनी मौसी के घर जा रहा था। संयोगवश उसका स्कूल और मेरे बच्चों का स्कूल भी एक ही था। इसके अलावा उसके खानदान की बहुत सारी बातें मुझे पता चली और थोड़ी बहुत मुझे भी अपनी बतानी पड़ी। बच्चों का मन कितना ही कोमल और साफ होता है, मुझे उसके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही है, सब तरह के लोग आते हैं ना। कोई साफ वाला, कोई गंदगी फैलाने वाला। तो देखा आपने, कुछ बातें सोशल टॉपिक को लेकर के भी हुई। तो ये लीजिए, मैं जीजी के घर आ गई हूँ। जीजी हमें लेने बस स्टैंड पर आ गई थी। बड़े ही आराम से हम घर आ गए थे। यहाँ हैं जीजी के बच्चे और उनकी सासू माँ। जीजू शॉप पर गए हुए हैं और ये है मेरी जीजी का हैप्पी, बहुत ही प्यारा सा खरगोश। एक लाइन में उसके बारे में कुछ कहना हो तो मैं बोल सकती हूँ, क्यूटनेस विद इंटेलिजेंस। उसको पकड़ लो तो छोड़ने का मन ही ना करे। शूशु पॉटी बताया गया है, सिखाया गया है तो वो वहीं करता है। घर पूरा साफ रहता है और खुद को हैप्पी भी अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। मंदिर वाले कमरे में, किचन में वो कदम तक नहीं रखता है। भाई उसकी जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। इतना होशियार खरगोश तो मैंने आज तक नहीं देखा। ताज़ा आटा या मिस्सी का आटा हो तो क्या ही बात है। हरी सूखी घास, खीरे के छिलके, केला, भीगा हुआ अनाज, ये उसकी पसंदीदा खाने की चीज़ें हैं। लेकिन लालच बिल्कुल भी नहीं। उसके बारे में और बताने बैठूंगी ना तो पूरा व्लॉग हैप्पी को ही समर्पित हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खाना पीना खाया गया, बच्चे तो सारे एक ही हो गए और खेलने में लग गए। फिर मैं और जीजी शॉपिंग पर निकल पड़े। जीजी की स्कूटी पर मेरठ की गलियों में घूमते हुए मुझे बड़ा ही मज़ा आया।
फिर के फिर हम आ गए घर। तरबूज का जूस पिया गया। खाने पीने का तो आपको क्या ही बताऊं, जैसे ही थोड़ा पेट खाली होता फिर कुछ आ जाता खाने पीने का। खैर आप लोग इस बात को समझ सकते होंगे कि मौसी के घर नानी के घर ऐसा ही होता है। तो अब शाम हो चुकी है, मेरे जीजू भी शॉप से आ गए हैं। जीजी रात का डिनर बना रही हैं, तो आज बन रही है बच्चों की मतलब की पनीर की सब्जी। भाई अपने घर में कितना भी बढ़िया खाना बना लो, लेकिन बच्चों को तो पता है मौसी के घर ही अच्छा लगता है। मेरी छोटी बेटी ने कहा कि मम्मी आप ऐसे पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाती हो। भाई मैं कितना ही बना लूँ कुछ नहीं कर पाऊँगी, बच्चों को मौसी के यहाँ का ही खाना अच्छा लगता है। और हैप्पी भी अपना खाना खाने के जुगाड़ में है, वो इस टेबल के नीचे ही रहता है तो वो अभी वहीं घुस गया है। फिर पता है उसको है ना आटा खिलाया गया। यहाँ पर देखिए मेरी जीजी की बिटिया आटा खिला रही है, लेकिन ये आटा हैप्पी समझ गया है कि पुराना है बासी है तो वो उसको ये नहीं खाना है, तो उसने बिल्कुल खाना खाने से मना कर दिया। और देखिए वो फिर यहाँ से चला भी गया। इसके बाद हैप्पी के लिए आया मिस्सी वाला आटा। ये देखिए कितने प्यार से आप देख रहे हैं वो खा रहा है। तो आटे को नूडल्स की तरह बना करके ये हैप्पी को खिलाया जा रहा है। देखिए हमारा हैप्पी कितना क्यूट लग रहा है खाते हुए। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। बच्चों के साथ एकल यात्रा ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया। सफ़र के साथी ने इस यात्रा को और सुखद बनाया। मैं अपनी प्यारी बहन से मिली, इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है। इसके अलावा सारे बच्चे भी खुश, तो इसी खुशी में खाना कुछ ज़्यादा ही खाया गया। फिर उसे पचाने हम आ गए घर की छत पर थोड़ा टहलने के लिए। नेक्स्ट डे रोमांच नेक्स्ट लेवल पर था, तो वो जानेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।